हाँ जी, देखो बेटा, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप के राइट्स क्या है, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले हैं पार्टनरशिप में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्या होती है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है कंटेनिंग, या पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जो पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है, जब उस समझौते को एक कागज पर लिख दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट पर लिख दिया जाता है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? पार्टनरशिप डीड। समझ आई बात या नहीं? अब सर, पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड के पॉइंट्स क्या है? कई बार आपसे जब मजे लेने होते हैं एक नंबर में दो नंबर में, कहता है राइट एनी एट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती हैं ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो आप बताओगे नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट्स लिख देते हैं कि सर जैसे हमारे बिजनेस का नाम संजय क्लासेस, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस सेक्टर, प्लेस ऑफ बिजनेस कोचिंग क्ले नत्तुपुरा और संतनगर। जवाब दो बेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, संजय सर एंड संदीप सर आर पार्टनर्स। फिर उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। जवाब दो बेटा। लोन एडवांस बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने लोन कितने का दिया है, बोलो यार। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है एंड पार्टनर्स ने कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर कोई पार्टनर काम करता है सैलरी, तो सैलरी मतलब ये क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो, अभी आपका फंडामेंटल चल रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस फ्यूचर में होगा, तो पहले ही फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, तो आज ही दोनों पार्टनर्स बैठकर, जितने पार्टनर्स बैठकर, दे आर फॉर्मिंग द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पार्टनर्स के बीच में हुए समझौते को, बीच में हुए अग्रीमेंट्स को क्या करा जाता है, लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड होना बहुत बेस्ट रहता है, रिटर्न में है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को क्या करती है बेटा, अवॉइड करती है, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम करती है, क्योंकि सारी बातें लिखित है, क्लियर है। लास्ट में पार्टनरशिप डीड साइन होते हैं तो कोई भी बंदा अपनी बात से मुकर नहीं सकता, एंड इट आल्सो वर्क एज एन एविडेंस, ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पर भी काम करती है। अब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पार्टनरशिप डीड के वो बता देता हूँ, जिसके बेस पर ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पार्टनरशिप डीड के, लाइक सैलरी, सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सैलरी के बारे में चर्चा होनी बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो पार्टनर्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर इंटरेस्ट डिमांड करता है तो उसको इंटरेस्ट किस रेट पर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पर मिलेगा, समझा। कमीशन, कमीशन पार्टनर्स को कितनी मिलेगी, बात आ रही है। पीएसआर, पीएसआर का मतलब क्या होता है, हाउ द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में आगे बात। और लास्ट में पार्टनरशिप डीड को साइन करवाना कंपलसरी होता है, आ गई बात समझ। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं पार्टनरशिप डीड में, लाइक राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कि कोई पार्टनर रिटायर होगा तो कितने महीने पहले नोटिस देगा, समझ में आ रही है। कि अगर कल को हमारा बिजनेस बंद होता है तो एसेट्स की जो है डिसॉल्व कैसे करना है, लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे करनी है, मतलब जो भी पॉइंट्स पर आप बनाना चाहो उस पर आप क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब से बच्चे क्रक समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनरशिप, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में हुए समझौते को जिस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिखाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बात बोल रहा हूँ वो ये है कि जो पार्टनरशिप डीड कहेगी, जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो बात माननी ही माननी है, समझ में आ गई। अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को 20% मिलेगा और लास्ट में पार्टनर्स ने साइन कर रखे हैं, तो भैया एग्री करना, देना ही देना पड़ेगा, समझ में आ गई बात, बोलो बेटा। यस सर। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो बताइए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन आ जाता है पिक्चर में, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आ जाएगा। और वो क्या कहता है बताओ सारे बच्चे, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बोलो सारे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सैलरी, नॉट अलाउड। कमीशन, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट चार्ज। बात आई समझ में? जवाब दो बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, बट किस रेट से, एट द रेट 6%। And what is PSR, बताओ कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बात आई समझ या नहीं? चलो सर, वेरी गुड।
समझ आई बात? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। तो ये हमारा था पार्टनरशिप डील का सर, इम्पोर्टेंस मैंने समझा दी है, पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग पार्टनरशिप डील, तो बता देना इम्पोर्टेंस यही है कि वो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को बचाती है, मतलब उसमें छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट्स नहीं आ सकते, कम करती है उसको कहीं ना कहीं। एंड सेकंड, इट वर्क्स एज एन एविडेंस, किसकी तरह काम करती है? एविडेंस। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि यार क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाऊँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी अगर इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगी, वीडियो बहुत बल्की बन जाएगी, एंड वीडियो बल्की बनने से आप लोग फिर देखोगे भी नहीं उसको, समझ में आ रही है? तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जिसमें बिना क्वेश्चन के काम चल ही नहीं सकता तो मैं ज़रूर वीडियो के अंदर भी क्या करूँगा बच्चों, क्वेश्चन भी ले लूँगा, समझ में आ गई बात? देखना जरूर है लेकिन सही बच्चों ने। अब हम आगे चलते हैं सर, एक बार तो हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, आपकी बुक के अनुसार मैं चलूँ तो एक टॉपिक आ रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज वेरी बेस्ट टॉपिक बच्चों, बताओ व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पता है क्या होता है? बेटा चार्ज का मतलब होता है जो देने ही देने हैं, जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो देंगे वरना नहीं देंगे, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट्स को बांटना, व्हाट इज प्रॉफिट्स को देना, प्रॉफिट्स को अलग अलग नामों से बांटते हैं बेटा, उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट्स को नहीं बांटना, देना ही देना है, जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, जैसे क्या है रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी, किसकी सैलरी? एम्प्लॉइज की, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कहीं से क्या करा है, लोन लिया है, और उस लोन पर आप क्या कर रहे हो बेटो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, चाहे तुम्हारा काम धंधा चले या ना चले, बोलो बेटा। वहीं अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट होगा तभी हम जनरल रिजर्व बनाएंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम जनरल रिजर्व नहीं बनाएंगे, जवाब दो बेटा सारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को, अब मान लो मैं संजय सर हूँ, बिल्कुल सर हो आप, अब मुझे बताओ संजय क्लासेस से मैं मांग रहा हूँ इंटरेस्ट दे भाई, और संजय क्लासेस चल रहा है लॉस में, मैंने जो कैपिटल लगाई है उसमें मैं क्या मांग रहा हूँ? इंटरेस्ट। एंड संजय क्लासेस किस में चल रहा है? लॉस में, तो बताइए क्या संजय क्लासेस मुझे इंटरेस्ट देगा? नहीं। बोलो बेटा। यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बताओ सारे बच्चे? एप्रोप्रिएशन। लेकिन कई बार जब तक क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन कई बार डीड में ये कह दिया जाता है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज मानना। फिर तो भैया डीड तो अगर 2 जमा 2 5 कहेगी, डीड तो क्या कहेगी बेटा? 2 जमा 2 5 कहेगी, तो हम 2 जमा 2 5 भी मानेंगे। बोलो भाई, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स की जो कमीशन है, ठीक है बेटा, ये सब इंटरेस्ट ऑन उसके एप्रोप्रिएशन हमारे डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो चार्जेस अगेंस्ट डेबिट होते हैं वो कहाँ डेबिट होते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे लगता है इसका पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, थ्योरी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रायोरिटी का भी एक पॉइंट गिवन है, बताइए कौन सा पहले बनेगा, चार्जेस पहले कटते हैं या फिर अप्रोप्रिएशन? चार्ज, तो चार्जेस जो क्रिएट किए जाते हैं दीज आर पहले, उससे अप्रोप्रिएशन से हो गए, एग्जांपल्स मैनमेड रिकॉर्डिंग, चलो सब चीज़ हमारी खत्म हो गई। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कौन सा टॉपिक आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे, बताइए बेटा हम वन बाय वन एक एक टॉपिक हम लोग करते रहेंगे, ठीक है सर? बताओ सर, बताइए क्या क्या टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं आज की वीडियो में, हमने क्या क्या कवर करा, फटाफट जल्दी से बताओ, अब कम से कम टॉपिक का तो नाम लिख दो बोर्ड पे, आज हमने क्या कवर करा इस वाले वीडियो में? पार्टनरशिप डीड, है ना, इसी में करा है ना अभी कवर? हां है सर। पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स क्या क्या है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इन द एब्सेंस में तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सब हमने क्या कर लिया बेटा? कवर कर लिया। सेकंड, हम लोगों ने क्या कवर करा बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोलो बेटा। यस सर। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब आपकी बुक कह रही है मैं आपकी बुक के अनुसार ही चलूंगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन, सो दैट जो भी बच्चे क्या नाम है टी एस ग्रेवाल बुक रेफर कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। चले जी बेटा। हाँ सर बिल्कुल चलो, दिस इज रिविजनरी वीडियो हमारी सेकेंड, पहली वीडियो जरूर देखें सभी बच्चे, पहली वीडियो में हमने 15 या 17 मिनट के अंदर फंडामेंटल्स बताए हैं, ठीक है सर?
हाँ जी सर बिल्कुल, आप आगे चलो प्लीज। चलो जी, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? सर सबसे पहली बात लोन क्या होती है? मैं बिजनेस हूँ सर। मैं क्या हूँ? बिजनेस। जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको हमेशा अपने आपको क्या मानकर चलना है? बिजनेस। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो मैं कॉन्सेप्ट सारे समझाऊंगा, थोड़ी स्पीड रहेगी। मैं बिजनेस हूँ, अब बिजनेस ने लोन ले लिया। बिजनेस ने क्या करा? लोन ले लिया। मान लो मैं किसी बाहर से लोन लेता हूँ, तो अगर मैं बाहर से लोन ले रहा हूँ तो क्या मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ है ना? Yes, सर बिजनेस लोन क्यों लेता है भाई? बिजनेस को पैसे की जरूरत है, काम धंधा चलाना है, ऑपरेशंस करने हैं, सेल्स बढ़ानी है, तो बिजनेस इसलिए क्या करता है? लोन लेता है। आ गई बात समझ? अब मैंने सोचा कि यार मैं बाहर से लोन ले रहा हूँ, क्यों ना मैं संदीप सर से पूछ लूँ। क्या संदीप सर आपके पास पैसे पड़े हैं? हाँ। संदीप सर ने बोला भाई 2 लाख पड़े हैं, मैं तेरे को लोन दे सकता हूँ। ला भाई चलो भाई। तो मैंने लोन किससे ले लिया? संदीप सर से। अब संजय क्लासेस को लोन किससे मिला है बताओ सारे बच्चे? संजय क्लासेस को लोन मिला है, संजय क्लासेस ने लोन लिया, इन्होंने लोन दिया है, तो बताओ सारे बच्चे। तो संजय क्लासेस को जो लोन मिला है, संदीप सर ने लोन एडवांस किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस डी सर लोन, संदीप सर का लोन 2 लाख रुपए का। समझ आई बात? तो बताओ क्या संदीप सर मेरे से इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? इमोशनल मत हो ना कभी भी, ध्यान रखना बच्चों का। क्या संजय क्लासेस संदीप सर को इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर से लोन लेता, कहाँ से लोन लेता मैं? तो वहां पर भी क्या करना पड़ता? आ गई बात समझ? बस थोड़ा इतना होगा कि बाहर से ले रहा था तो 15% रेट पे मिल रहा था, चलो भाई संदीप भाई तेरे को 10% दे दो। बोलो तो ये जो इंटरेस्ट जो बिजनेस दे रहा है पार्टनर को, इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन द लोन एडवांस बाय हिम, दिस इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, देना ही देना है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इसकी एंट्री बताना, अगर आप इसकी एंट्री बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट, या फिर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर्स लोन। जवाब दो बेटा, समझ आई बात या नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कहां लेकर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां लेकर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप क्लियर हो गई बात। बोलो बेटा। अब इसकी बात आती है कैलकुलेशन की। किसकी बात आती है बेटा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बड़ी बच्चों वाली चीज है, कॉमन सेंस है। क्या है बेटा? कॉमन सेंस। आपने एक वर्ड सुना है कॉमन सेंस? मतलब सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद का दिमाग लगा लो। जैसे कि अब मान लीजिए हमारी किताबें क्लोज हो रही है 31 मार्च को, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरी किताबें कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च, स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017। मैंने संदीप सर से लोन लिया, कब लोन लिया? 2 लाख रुपए का 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट बैठ का 10% पर है ना, तो बताइए कितना इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा साल के एंड में? 2 लाख इंटू 10% इंटू 12 बाय 12। सारे अच्छे से पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, तेरी आवाज जा रहा है या वहाँ की आवाज जा रहा है? ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए मुझे रोक देता हूँ, क्योंकि आवाज़ क्या है कुछ ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गई बात? नहीं आई सर? अब बात आती है सर निकलता कैसे, निकलने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, अगर हमने संदीप सर से लोन लिया है 1 अप्रैल 2017 को, तो ये पीरियड पूरे पीरियड के लिए हमने पैसा क्या करा है? यूज किया है, तो इंटरेस्ट भी पूरे पीरियड का लग जाएगा। बोलो बेटा। मान लो इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, अगर पूरे साल यूज करा है तभी पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, और ये 12 महीने लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब मान लो मैं दूसरा केस बनाऊं, दूसरे केस में मान लीजिए मैंने लोन लिया है संदीप सर से 1 जुलाई, मान लो कब लोन लिया है बेटा? 1 जुलाई 2017 को। कब लोन लिया हमने? 1 जुलाई 2017 को। समझ में आ रही बात? लोन लिया है 2 लाख। अब मेरी किताबें कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च 2018। अब अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना होगा तो 2 लाख पर क्या बनेगा बेटा? 10/100। हाँ है ना बेटा? लेकिन कितने महीने का? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का? 9 महीने निकल जाएगा। आ गई बात समझ? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। तो बिल्कुल क्लियर कट बात है सर। एक बार बताओ, अगर रेट के साथ पर एनम ना लिखा हो, अगर रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हो,
मान लीजिए मैं तीसरा केस बना रहा हूँ, मैंने लोन लिया है संदीप सर से 2 लाख रुपए का, एंड कोई वो नहीं पता कि कितनी रेट लिखी है 10%। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो बेटा इस केस में हम टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, इस केस में सीधा क्या निकलेगा, 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। बोलो बेटा। लेकिन पेपर में नोट दे देना, क्योंकि कुछ कुछ ऑथर्स लोग खाली 10% भी लिखा हुआ है तो भी उसको क्या मानते हैं, 10% पर है। समझ में आ गई बात? जहां पर भी लगे कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी चीज के, तो बेटा अल्टरनेट हो सकता है, तो जरूर नोट देकर आओ कि एग्जामिनर को ये ना बताओ मेरे से गलत हो गया है, एग्जामिनर को ये बताओ कि मुझे दोनों चीजें पता है। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? जवाब दो बेटा। सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में क्या होता है? अभी मैं आपको एक अकाउंट सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट सिखाऊंगा मैं? अगला टॉपिक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वहां पर जो मैं नेट प्रॉफिट लेता हूँ ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, या तो नेट प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर वाला, उसको क्या करो, माइनस कर, और माइनस करके फिर यहां दिखाना है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। समझ में आ गई? तो यहां से माइनस करने का मतलब क्या होता है, चार्जेस माइनस करना। जितने भी हमारे चार्जेस है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी, सब कुछ यहां से क्या करते हैं, माइनस। या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना चाहते तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी डेबिट साइड में डाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करके इस वाले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएशन। अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, वहां से समझ आ जाएगा। चलो जी सर, बिल्कुल क्लियर है, मैं क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करूंगा। आगे जी सर, आगे हमारा नया अकाउंट आ गया बेटा। कौन सा अकाउंट आ गया सर बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। सही बच्चे जाग जाएंगे, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्या होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप में जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी? क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता था, प्रॉफिट को बांटने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अब आप सोचो, मान ली संजय क्लासेस ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब वो 1 लाख के प्रॉफिट में से क्या वो सारा मेरा है, क्या वो सारा संदीप सर का है, क्या करेंगे? तो हम इस 1 लाख के प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, हाउ दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, एंड इट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो मैं 2 मिनट लूंगा, जल्दी से बोर्ड पर समझाऊंगा, आप सभी बच्चे जल्दी से इसको देखेंगे, ठीक है बच्चों? सारा खेल कॉन्सेप्ट का है बेटा अकाउंट्स में। हमारे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बेटा एक एक हफ्ते की क्लासेस में 86 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। विद इन अ वीक की क्लासेस में बच्चों के 86 मार्क्स आए हुए हैं। तो बस आपके पास तो अभी भी 1 महीने का टाइम है। आपके पास तो अभी भी टाइम कितने दिन का है? 1 महीने का। अभी भी अगर आप कॉन्सेप्ट बनाओगे तो आपके बड़े प्यार से मार्क्स आएंगे। बट वही वाली बात है, आप अभी भी नहीं पढ़ोगे ना तो बेटा देखो, संजय सर तो आपका पेपर देख के आएंगे नहीं कि मैं आपका पेपर देख के आऊंगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? बोलो बेटा। तो हमारा 4th कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। सर एक बात बताओ, कैसे बनता है हमारा ये लॉजी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इसके नीचे जरूर लिख देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर द ईयर एंड, क्योंकि रोज रोज नहीं बनता है। कब बनता है? साल के एंड। एंड पहले ये पिछले साल तक ये खाली प्रॉफिट्स के केस में बनता था, लेकिन इस साल जो है, इस साल ये प्रॉफिट्स के केस में भी बनेगा, एंड प्रॉफिट के साथ साथ किस में बनेगा, लॉस के केसेस में भी बनेगा। बात आई समझिए? नहीं, जवाब दीजिए बेटा। थोड़ा 11th क्लास याद करो। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, एंड ट्रेडिंग के बाद क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो यार। यस सर। और यहाँ पर क्या मिलता था रिजल्ट? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता था, फिर हम सब कुछ करते थे तो क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। सर कोई जरूरी थोड़ी है कि नेट प्रॉफिट मिले, हो सकता है नेट लॉस आ जाए। सॉरी, हो सकता है क्या आ जाए बेटा? नेट लॉस। बात आई समझिए? नहीं, जवाब दो। जैसे ग्रॉस लॉस यहाँ जाता था, अब बेटा मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो ये इस अकाउंट से यहाँ पर आएगा बेटा, अपोजिट साइड। जब कभी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री जाती है तो हमेशा कहाँ होती है बेटा? रिवर्स है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट एज पर
P&L नेट प्रॉफिट एज पर क्या लिख देंगे हम P&L, समझ आ रही बात। और अगर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड टू नेट लॉस एज पर, या आप इसको लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एज पर P&L, समझ आ गई बात। लेकिन दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो प्रॉफिट ही मिलेगा या क्या मिलेगा लॉस मिलेगा, समझ आई बात या नहीं सर। अब एक्चुअली क्या होता है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, मान लो मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पर इतने का प्रॉफिट लिया है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस प्रॉफिट में से कैसे कैसे क्या होगी अप्रोप्रिएशन होगी, इस प्रॉफिट में से कैसे कैसे क्या होगी अप्रोप्रिएशन। मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है 10 लाख, अभी मैं लॉस को निकल से, तो अब इस 10 लाख में से देखो कि पार्टनर्स के पास प्रॉफिट किस किस नाम से बढ़ता है। देखो एक तो होता है मैंने प्रॉफिट दे दिया, आपने 11th क्लास में देखा था सभी बच्चों ने, ये नेट प्रॉफिट सीधा जाके क्या होता था कैपिटल में ऐड होता था, क्योंकि वो प्रॉफिट सारा का सारा किसका होता था ओनर का, एक ही पार्टनर एक ही ओनर होता था, सारा प्रॉफिट उसका सारा लॉस उसका। लेकिन यहाँ एक नहीं है, यहाँ तो क्या है दो लोग बैठे, अब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रखा है, केक रखा हुआ है, पार्टनर बैठे हुए, ला भाई मेरी सैलरी भी दे, मेरी कमीशन भी दे, समझ में आ रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो प्रॉफिट हुआ है कुछ रिजर्व भी बना लेते हैं, बोलो बेटा। तो प्रॉफिट को अलग अलग नामों से देना, अलग अलग नामों से बांटना, उसी को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पर वो सारे आइटम आएंगे जो प्रॉफिट को कम करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी की, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ जाएगा, कोई सैलरी है तो क्या है बेटा सैलरी, ए और बी को कोई सैलरी मिल रही है वो। ये सारे टॉपिक हम अलग अलग भी पढ़ने वाले हैं, अभी वैसे आप ये ध्यान रखो जो जो चीज मेरे प्रॉफिट्स को काउंट करेगी वो सारी चीजें कहाँ आ जाएगी डेबिट साइड एंड टू जनरल रिजर्व। अगर कोई चीज मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी तो वो कहाँ आएगी क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा ये पार्टनर से कनेक्टेड चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मैं बिजनेस हूँ और ओनर उधर है, उसने पैसे निकाल लिए, बोलो बेटा ड्राइंग्स पता है ना अमाउंट इज लोन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल और डोमेस्टिक। अब मान लो संजय सर बिजनेस से पैसे निकाले, चलो मैं संजय सर ही बन जाता हूँ, अब मैं संजय सर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, बोलो यार तो मैंने क्या करा बच्चों बताओ, ये बिजनेस है, बिजनेस से पैसे निकाले तो बिजनेस क्या करेगा, मेरे से क्या करेगा, जो मैंने पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट मांगा, अब मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगा, तो अगर मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है कमाई, कमाई है तो कहां जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर होगा तभी कर। अगली बात समझ, अब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं बेटा उसको डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोला जाता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट। अरे बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इस डिविजिबल प्रॉफिट को किसको बांट देते हैं ए और बी, किस रेशियो में इन देयर पीएसआर, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल, और अगर करंट है तो क्या लेंगे हम करंट अकाउंट, समझ में आ रही है। और सर ये फ्लक्चुएटिंग करंट का क्या चक्कर है, सर समझाऊंगा टेंशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, पूरा साल रिविजनरी वीडियो है, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत तो सुना होगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है तो उस केस में एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट बनते हैं दो अकाउंट, दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, समझ आ गई बात। तो ये चीज है सर, अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में ये आएगा बस खाली नेट लॉस, लॉस के केस में क्या आएगा नेट लॉस, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो आ जाएगा, लॉस के केस में ये अप्रोप्रिएशंस नहीं होती, ध्यान रखना। अब हमारे पास लॉस है, पार्टनर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, भाई नहीं मिलेगी, पार्टनर कह रहा है सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं, जनरल लेजर का स्कोप ही नहीं बनता, बोलो बेटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेजर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्वेश्चन साफ साफ स्पेसिफाई कर रहा है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है इंटरेस्ट, यानी कि पार्टनरशिप डीड बनी है और पार्टनरशिप डीड में ये बात बोली गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है चार्ज है, तो उस केस में तो फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है। आई होप बात समझ आ गई होगी, जवाब दो बेटा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एक बात बताओ, अगर हमने इनकी एंट्री सीखनी हो, अगर हमने इनकी क्या सीखनी हो एंट्री, आज के टाइम बच्चों सीबीएसई एंट्री बहुत पूछ रही है तो आपको घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं, अब बताइए इसकी क्या एंट्री बनाओगे, कौन सा अकाउंट शुरू कराया प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसकी एंट्री बनानी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन ना लिखो तो चलेगा, नरेशन में लिखो भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, हाँ है ना बेटा। यस सर, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री बनाओगे बताओ, एक बनाना चाहते हो दो बनाना चाहते हो एंट्री, अगर आप दो एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों बताओ,
एक होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जवाब दो सारे बच्चे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स मतलब उनकी ड्राइंग्स को बढ़ा देगी, जो भी पार्टनर्स की ड्राइंग है हम उनसे पैसे एडजस्ट करेंगे, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कमाई है। और अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अब ये कमाई बिजनेस अपने पास तो रखेगा नहीं, इस कमाई को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई, आ गई बात समझ में? चलो जी सर, अब इनकी एंट्री अगर हम बनाएं, बेटा अकाउंट से आप एंट्री भी बना सकते हो, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब इसकी दो एंट्री बनाते हैं, बताओ क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चे की तरह मान लो, टू हिंदी किसको इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल जवाब दो बेटा। और उसके बाद हम इस इंटरेस्ट कैपिटल को कहां से चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे बात समझ आई सर? यस सर, जवाब दो बेटा। और बताइए सर, उसके अलावा ऐसे क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, तो सैलरी दे दो पहले, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, और इस सैलरी को चार्ज कर लो, कहां से चार्ज कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आ जाएगा सैलरी। आगे बात समझ में? उसी तरीके से इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दो, तो डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी, सीधा को डिविजिबल प्रॉफिट नाम का अकाउंट खोल नहीं रहे। आई होप समझ आ गई बात, जवाब दो बेटा। तो ये हमारा था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब आप इसके क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, क्वेश्चंस के लिए हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो हाँ जी सर, आगे चलते हैं इसके बाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, किताब के अनुसार आपकी किताब में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है रेंट पेड टू अ पार्टनर, बताइए सभी बच्चे व्हाट इज रेंट पेड, रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या होगा, रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो रेंट क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। तो जितने भी चार्ज होंगे बच्चों ध्यान रखना, उन चार्जेस को हम सारे को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी चार्जेस है, वैसे तो पीएनएल में ले जाओ, पीएनएल में नहीं लेके जा रहे, तो ये आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजमेंट की सैलरी, आ गई बात समझ? चलो सर, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एक आपका ये अच्छा एग्जांपल है, इसको बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर नाइन, इसमें मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा, मैनेजर, तो मैनेजर कमीशन, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर की कमीशन कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। हाँ वैसे तो वो तभी देंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होगा, बट यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशन हम लोग दिखाते हैं वो जनरली पार्टनर से कनेक्टेड रहती है, तो मैनेजर की कमीशन को हम लोगों को कहाँ लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैनेजर कमीशन कहाँ लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो ये खास बात है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 अच्छी इलस्ट्रेशन है, एंड सेकंड खास बात ये है कि जो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में जो आपको क्या गिवन है, नेट, इस नेट प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग कुछ लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग 20,000 क्या लिखा हुआ बेटा, आफ्टर जैसे 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है और उसमें से 30,000 रुपए बी की सैलरी क्या कर रखी है, माइनस, बोलो यार। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा उसमें हमें बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन चाहिए, तो उस 1,20,000 में पहले हम 30,000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे टाइम दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों को, वैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लो जी अब जल्दी से ओवरली बता रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या रहा है, ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 विद कैपिटल 4,00,000-3,00,000, बेटा हम टी एस ग्रेवाल बुक कर रहे हैं 2018 एडिशन 1.17, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, बी टू अलाउड एनुअल सैलरी 30,000 विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ, देखो प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, ये वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, यानी कि बी की सैलरी घटने के बाद प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, और हमने प्रोविजन बनाना है 5% इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू बी पेड टू मैनेजर, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग टू एप्रोप्रिएशन। तो बेटा यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए कि प्रॉफिट जो 1,20,000 का है, जो प्रॉफिट कितने का है बेटा, ये 1,20,000 का है, इसमें क्या है, सैलरी क्या हो रखी है, माइनस, किसकी सैलरी माइनस हो रखी है, बी की, तो मैनेजर को जो कमीशन मिलेगी 5% वो 1,20,000 पे थोड़ी मिलेगी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मैनेजर की जो सैलरी है उसको क्या, या जो मैनेजर का कमीशन है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो सही बच्चे यहाँ ध्यान देंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इस क्वेश्चन में 1,20,000 में पहले हमने 30,000 क्या करा ऐड, ये जो सैलरी है किसकी सैलरी है, बी की, तो 1,50,000, अभी से 1,50,000 पे 5% क्या करी बच्चों बताओ, मैनेजर की कमीशन दी बोलो, एंड फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ में से हमने बी की सैलरी दी और एप्रोप्रिएशन करी और फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स को क्या कर दिया ट्रांसफर। समझ आई बात या नहीं बेटा? रिविजन वीडियो है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा सकता, सॉरी फॉर दैट। आपको लग रहा होगा सर बड़ी जल्दी करा रहे हैं, स्पीड में करा रहे हैं, बट हमारी भी मजबूरी है बच्चों। आप क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई दिक्कत आए तो मेरे से क्या कर लेना, पूछ लेना। समझ आ गई बात सही बच्चों को? जवाब दो बेटा। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ठीक है सर, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों बताओ, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा मैं एक अगली वीडियो में और इसके आगे का कंटेंट कराऊंगा आप सही बच्चों को। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर आपको क्या करना है क्लिक करना है, एंड आप संजय क्लासेस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ सकते हो, लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, आप हर जगह जुड़ सकते हो एंड आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हो। मैं आपके एग्जाम पेपर तक आपके साथ हूँ, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सही बच्चे कनेक्ट हो जाएं, एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो मेरे को डाउट्स भेजो, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके हर एक क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा आंसर करूंगा, एंड डाउट अगर आप रात को 9 से 10 के बीच में पूछो तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।